स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो सभी लोग? आज हम लोग खेलने वाले हैं ड्रैकुला मोड, और आज हम लोग आए हैं एक ड्रैकुला वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग को सिखाया जाएगा कि ड्रैकुला कैसे रहते हैं। ये ड्रैकुला वाले अंकल हम लोग को बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सारे हथियार हैं, इनमें से मैं सूट पहन लेता हूँ एक, ठीक है इसको ले लेते हैं। अरे ये क्या अंकल, मुझे लेने दो यार, ये क्या कर रहे हो? ठीक है अब यहाँ से उठाते हैं पूरा सूट, और इसके हेलमेट के साथ तो हम लोग को मिल रहा है पंख भी। ओके मैंने जूता उठा लिया इसका, अब हेलमेट भी ले लेते हैं। हेलमेट निकल नहीं रहा पता नहीं क्यों, लेकिन निकल, ओके निकल गया। अब इसको पहनते और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ड्रैकुला जैसा लगूंगा अभी। ये देखो मैं एकदम ड्रैकुला लग रहा हूँ, ओ माय गॉड। चलो अब यहाँ का सारे हथियार भी ले लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वर्क करती है सारे हथियार कितना। अरे मैं तो उड़ भी सकता हूँ, मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। थोड़ा सा डैमेज मिल रहा है लेकिन काफ़ी सही है। और यहाँ से मुझे एक स्वॉर्ड मिल रही है, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से हथियार है। डबल स्वॉर्ड, मैं डबल स्वॉर्ड हाथ में ले भी सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को त्रिशूल भी दिए जा रहे हैं दो तरीके के, और ये बॉल पता नहीं कौन सी चीज़ है। ओके यहाँ पे तो हम लोग को जंगल बेरी भी दी जा रही है, पता नहीं इन सब का क्या वर्क होगा, लेकिन सब इंचेंटमेंट इसमें लगा हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि चमक रहे हैं सारे। और ये सब क्या है, टोटम्स है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दे रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा तो कुछ नहीं है। वहाँ पे दादाजी क्यों खड़े हुए हैं? ओके यहाँ पे सोल मिल रहा है, ठीक है मैंने सोल लिया। एग हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि एग पता नहीं क्या चीज़ होगा। ये क्या है, डिसेबल फॉग, इलेबल फॉग, तो हम लोग डिसेबल कर देते हैं। यहाँ फॉग रहेगा तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये कैसा डैमेज कर रहा है। ओके ये तो काफ़ी सही चीज़ है यार, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसा ये मार सकते हैं, इससे अटैक कैसे करना है। और ये तो सबसे ख़तरनाक है, इससे तो मैं सबको एक बार में ही मार सकता हूँ, तीन तीन को मैं एक साथ में मार पा रहा हूँ। ये तो हथियार सबसे खतरनाक हथियार है इन जितने हथियारों में से। और मेरे पास ये भी एक चीज़ है, ओके ये क्या चीज़ है जो हवा में उड़ने लगी? ओके इसको मैंने ही लगाया है, वाह इसने तो बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज दिया। ठीक है एक और लगा के चेक करते हैं, अब ये क्या कर देगा पता नहीं। तो चलो ढूंढते हैं वो जहाँ पे जाने कह रहे थे वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम लोग को जाके फाइट करनी है, और यहाँ से ये लाइट निकल रही है शायद वहीं पे जाना है हम लोगों को। क्या मूर्ति बना रखी है, वाओ चलो चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक ये है, इसको चाकू फेंक के मारते हैं, क्या ये मरेगा? ओके इसने तो मुझे डैमेज दे दिया, चलो चलते हैं। यहाँ पे इजी हार्ड है तो हम लोग हार्ड में चलेंगे, इजी में हम लोग को जमता नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है, अरे यहाँ पे इतने सारे प्लेजर कहाँ से आ गए, वो भी डेड प्लेजर्स की आत्मा है इसी, ये सब मुझे सोल दे रहे हैं। अच्छा इन सबको मारने से मुझे सोल मिलेगा जिससे मैं कुछ शायद खरीद सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है तो इन सबको बजाते हैं, और ये चीज़ क्या है कुछ समझ। ओके मैं ड्रैकुला स्पॉन भी कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे पेट है जो कि ये सबको मारेंगे। और भी है मेरे पास, ये देखो मतलब कि इन सब के लिए भी सोल लगेगा मुझे स्पॉन करने के लिए भी। ठीक है काफ़ी सही है, अब मारते हैं ये लोग को जल्दी से, सोल अपने पास जमा करते हैं और फिर स्पॉन करते हैं बहुत सारे ड्रैकुलास को। तो यहाँ पे चार चार पांच पांच ये लोग आते जा रहे हैं। ओके मैं उड़ भी सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और बजाते हैं। ओके यहाँ पे एक क्रीपर भी, वो भी चार्ज क्रीपर्स आ रहे हैं, मतलब एक बार में मुझे ये सब मार देंगे। और ये कौन है? ओके ये तो उड़ने वाले आदमी जो कि तीर लेके उड़ रहे हैं। तो चलो अब इन सब से फाइट करते हैं और चेक करते हैं। ओके ये एक त्रिशूल है जो कि अंदर से अपना रेड रेड कलर का कुछ फेंक रहा है, जो कि बहुत अच्छा डैमेज नहीं दे पा रहा पता नहीं क्यों। अरे इसने मुझे किसने मार दिया? ओके पता नहीं किसने मुझे मार दिया, मुझे लगता है क्रीपर, चार्ज क्रीपर ने ही मारा है मुझे, क्योंकि वो ही एक बार में ही मुझे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो चलो जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे, अपना सामान उठाते हैं। इतना सारा सामान था वो सारा बिखर गया होगा, ठीक है यहाँ पे बिखरा हुआ है, मैं सारा सामान सपरेट लेता हूँ अपना। अरे ये सब फिर से स्पॉन हो गए, मुझे बस मारे ना अभी के लिए। अरे नहीं ये तो बहुत खतरनाक वाला डैमेज दे रहे हैं मुझे, तो मुझे जल्दी से अपना सामान समेट कर यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ पर रात भी हो जा रही है पता नहीं कैसे अंदर, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो ये लोग मुझे दो तीन हार्ट पर कर दिया है, मुझे यहाँ पर एक दो तीन स्पॉन कर देता हूँ जिससे ये लोग ना वो बिज़ी हो जाए। ठीक है अब यहाँ पर सही है, अब बजाता हूँ ये लोग को, मुझे बहुत गंदा वाला मारे हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैं स्पॉन भी हो सकता हूँ, मुझे एंटर आई मिली है, लेकिन ये रेड कलर की है एंटर आई, जो कि लगता है ड्रैकुलास के लिए है बनी। तो चलो हम इन सबको धूल चटाते हैं और दिखाते हैं हम लोग कौन है। और ये काफ़ी तीन तीन चार चार जा भी रहा है, और यहाँ पे ये भी था, चलो इसको चेक करते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा वर्क किया इसने, और देखते हैं ये डैमेज दे पाता है कि नहीं ये लोग को। अरे ये तो गायब ही हो गया वहाँ पे, चलो अब यहाँ पे ब्लास्ट करके चेक करते हैं। ओके काफ़ी खतरनाक ये है, और एक साथ में तीन चार लोगों को मार भी दे रहा है, मतलब कि ये काफ़ी खतरनाक है। और दो दो स्वॉर्ड तो भाई मज़ा आ जा रहा है चलाने में। अगर आप लोगों को ये वाला मोड डाउनलोड करना है ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे मोड है, आप लोग कोई भी मोड डाउनलोड करो और खेलो आराम से। तो चलते हैं नेदर में, नेदर मुझे दिखा था दूर से, तो मैं सोचा नेदर में चल के देख के आते, शायद नेदर में भी कुछ चीज़ें बनाई हो सकती है, क्योंकि इतना बाहर से सुंदर सा बनाया है तो अंदर भी कुछ होगा। तो चलते हैं नेदर में, देखते हैं कि नेदर में क्या बना रखा है।
ओके यार, हम लोग तो नेदर में आ चुके हैं और नेदर का तो लुक ही अलग पूरा बदल गया पूरा। और ये सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची में ऐसा लग रहा है मुझे कि ये एक ड्रैकुला वर्ल्ड बन चुका है नेदर का। और यहाँ पे एक ड्रैकुला हॉर्स भी है। ओके, ये एकदम रेड कलर का हॉर्स है और इसके दांत भी निकले हुए हैं और ये तो उतना अच्छा मुझे लगा नहीं। और यहाँ पे इसको बैठा के चलते घूमते थोड़ा सा देखते हैं ये कैसा चलता है। ओके, यहाँ पे गास्ट को चलो मार के चेक करते हैं। यहाँ पे ना मेरे पास त्रिशूल है और इससे हम लोग फेंक भी सकते हैं लेज़र, तो चलो अब इससे मारते धुरते हैं इसको। मैं उड़ भी सकता हूँ तो मेरे लिए इजी है गास्ट को मारना, तो चलो देखते हैं गास्ट कितनी बार में मरती है। अरे बस एक प्रॉब्लम है कि मुझे उसे छोड़ना नहीं अपना अप वाला बटन, वरना मैं सीधा नीचे गिर जाऊँगा। और चलो मार के चेक करते हैं यार गास्ट तो मुझे देख, अरे देख लिया गास्ट ने। ओके, ये भी फेंक रही है लेकिन इसका तो मुझे लगने से रहा। अब इसको मारता हूँ मैं नीचे उतर के। ओके, किधर गई गास्ट, गायब हो गई क्या? यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे दो दो गास्ट है, अभी इन लोग को बजाता हूँ मैं। अरे यहाँ पे तो मुझे ना एक दो तीन अपने ये स्पॉन कर देने चाहिए जैसे कि ये मारे ये लोग को, वरना ये गास्ट मुझे ही मार देंगे। अब बताता हूँ गास्ट को। ओके, ये लग नहीं रहा। ओके, एक गई गास्ट, दूसरी वाली ये भी गई। अब देखता हूँ कौन मुझे मारेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग 5K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।